हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आनंद कुमार है और दिल्ली मुखर्जी नगर में 12 साल एसएससी और बैंक पीओ को टीच करने का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छे से, बहुत करीबी से मैंने 12 साल के अपने जर्नी में पेपर के हर एक लेवल को अच्छे से देखा है। और यहाँ पर जैसा कि मुखर्जी नगर की अगर हम बात करें तो आप में से हर एक स्टूडेंट्स जो कि दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के बाहर है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में होता है कि अपने गांव से हट कर करके बाहर शहर में जाकर के पढ़ा जाए। तो कई बार अपने स्टेट में जो आपकी जो सिटी होती है वहां जाकर के आप अपने राज्यों में गांव से निकल के जाकर पढ़ते हो, लेकिन उस सिटी में भी जाकर के आपको उतना सेटिस्फेक्शनेबल नहीं मिलता है। वहां पर भी फिर आपके माइंड में एक चीज आती है कि आपको दिल्ली जाकर करके और दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ना चाहिए। तो मैं मुखर्जी नगर का टीचर, ये मुखर्जी नगर में मेरी क्लासेस जहां पर मैं क्लास ले भी रहा हूं, तो मैं आपको यहां पर यही बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या है मुखर्जी नगर में। तो बेसिकली दो बातें होती हैं, एक तो जो टीचर होते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं वहां पर, दूसरा वहां का जो कंटेंट होता है वो बहुत अपडेट होता है। ये दो कारण है इसके वजह से बच्चे जो है वहां पर जाना चाहते हैं। लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स भी हैं, अगर प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी है मुखर्जी नगर में। एक सबसे जो है वो तो आपका खैर बजट है, वो तो आप खुद मैनेज करेंगे, वो डिसीजन आप खुद लेंगे, बट जो स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है मैं उस प्रॉब्लम पे बात करूंगा। एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पर क्राउड देख रहे हैं तो इस क्राउड में हर लेवल का बच्चा बैठा हुआ होता है। वो बच्चा जो कि एक आर्ट्स बैकग्राउंड का है, जो कि टेंथ के बाद कभी भी जिसने मैथ्स को छुआ नहीं है और अब किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए एक सपना देख पा रहा है कि वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ही बन जाए, लेकिन उस सपने के आगे भी अड़चन आ रही है उसकी मैथ्स, उसकी कहीं ना कहीं रीजनिंग। तो ऐसे बच्चे और यहां पर वो बच्चे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं जिनका जो ड्रीम क्या है, जो कि सीजीएल के अंदर एक ऑलरेडी बीटेक किया हुआ, उन्होंने मैथ्स बैकग्राउंड रहा है उनका और सीजीएल में एक ऑफिसर, रजिस्टर्ड ऑफिसर बनना चाह रहे हैं। तो यहां पर जो हम टीचर्स होते हैं, हमारे सामने प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसके अकॉर्डिंग चले। यहां पर हम जो है उस बीटेक वाले बच्चे की स्पीड को फॉलो करें या वहीं से स्टार्ट करें जहां से उसका लेवल है और टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा करके हम सिलेबस को करवाएं, सिलेक्शन करवाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो बच्चा जो बड़े उम्मीद लेकर के दिल्ली मुखर्जी नगर में आया कि हमारा भी भला हो जाएगा, मुखर्जी नगर है ही एक ऐसी सपनों की नगरी जहां सबके सपने पूरे होते हैं, हमारे भी सपने क्यों नहीं पूरे होंगे, वो बच्चा यहां पर दब जाता है, वो बच्चा यहां पर भटक जाता है, वो बच्चा यहां पर खो जाता है, फिर घर वापस जाने का मन भी नहीं करता है और फिर कोचिंग पे कोचिंग चेंज उसके होते चले जाते हैं, ये सिलसिला चलता चला जाता है। तो यहां पर आपको भी पता है, आप जिस प्रकार से आप क्लासरूम की स्ट्रेंथ देखते हैं तो इसको भी मालूम है कि आपको यहाँ पे क्राउड में सिर्फ 20-30% बच्चे अगर वैसे हैं तो कहीं ना कहीं आपके 10-20% बच्चे एवरेज हैं और बाकी 50% के आसपास जो है स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल मैथ से डर करके किसी कोने में बैठे हुए होंगे, सबसे पीछे बैठे हुए होंगे ताकि टीचर उनसे कुछ पूछ ना ले। तो इसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि एक तो स्टूडेंट जिसका सपना है मुखर्जी नगर में आके पढ़े, अगर वो मुखर्जी नगर में आकर के नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, मुखर्जी नगर के टीचर उनके गांव जाकर उनको पढ़ाएंगे। कहने का मतलब है ऑनलाइन कोर्स के थ्रू। अब ऑनलाइन में बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि ऑनलाइन कोर्स में जनरली जो कोर्स है वो ऐसे चल रहे हैं कि नॉर्मली आए और अपना कंटेंट को डिलीवर करा और चले गए। ये नहीं पता कि बच्चे जो हैं वो ऑडियो के थ्रू अपने डाउट को पूछ सके, ऑडियो के थ्रू वो बच्चे टीचर से कन्वर्सेशन कर सके, टीचर का पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों तक हो, बच्चे को डाउट आए तो वो व्हाट्सएप कर सके। तो ऐसी चीजें जो है फैसिलिटीज नहीं होती, इसकी वजह से वो बच्चे कतराते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है, एक चीज को आप चार बार देख सकते हो, ये चीजें कहीं ना कहीं जो है प्लस पॉइंट रहती हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनके आसपास ऑफलाइन फैसिलिटीज नहीं है। ऑनलाइन के ड्रॉबैक भी है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो कि जिनके आसपास ऑफलाइन फैसिलिटीज नहीं है। तो आप ऑनलाइन के थ्रू आप मुखर्जी नगर की फैकल्टी से आप क्लासेस को लीजिए, आप क्लासेस ले सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम आपकी ये थी कि अब इसमें से हर बच्चे कैटेगरी अलग है, तो आप जैसे कि ऑफलाइन बैचेस में आकर के भी आपके पास में बिल्कुल भी मैथ्स नहीं है, जीरो भी नहीं है। मैं जानता हूं, देखिएगा मैं किस हद तक सच कह रहा हूं और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरे इसी बात से आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। देखिएगा मैं आपको कह देता हूं, वो बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, ध्यान से समझिएगा,
वो स्टूडेंट जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनमें से 80% बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, बेसिक कैलकुलेशन। मैं सीखने आ रहा लेकिन कैलकुलेशन पे कमांड नहीं है। कैलकुलेशन पे मैं ये भी कह सकता हूं कि उनको कैलकुलेशन में इनमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं अच्छे समझता हूं जी, 12 साल दिए मैंने, हर बच्चों को रजिस्टर पे झांका है, देखा है, समझा है कि क्या प्रॉब्लम रहती है। बच्चे फ्रैक्शन वाले सम्स एंड सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें से वो स्टूडेंट जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, जिनको 5 साल हो गए मैथ्स छोड़े हुए, उसमें से उनको बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व उनसे नहीं हो पाते हैं, उनसे जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करने में उनको प्रॉब्लम आती है। इसमें उस बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, 5 साल अगर किसी चीज को अगर आप दूर हो चुके तो कहीं ना कहीं दिमाग से तो निकलेंगे। अब इस बच्चे की बेसिक कैलकुलेशन में है प्रॉब्लम, और बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा यहां पर आकर के ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहा है। अरे भाई साहब कैसे बात बनेगी? आप फिर उसके बाद कोच होगे किसको? एक तो भगवान को कि भगवान ने आपको कमजोर बुद्धि दी है, दूसरा अपने बुद्धि को कि ये कमजोर है। लेकिन दोनों में से किसी का कोई दोष नहीं है, दोष आपका है। आप जहां पर खड़े हो आप शुरुआत वहां से करेंगे ना। अगर आप शुरुआत कहीं और से करने लग जाएंगे तो बताइए लड़खड़ाएंगे ही। पहली सीढ़ी पे, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी सीढ़ी पर पैर रखते हुए तो आप ऊपर चढ़ते हैं, या सीधा आप ऐसा करेंगे कि आप 10वीं सीढ़ी पर पैर एकदम से रखेंगे तो लड़खड़ा के नीचे गिर जाएंगे। तो उसमें सीढ़ी का कोई दोष नहीं है, दोष आपके तरीके का है। तो यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यही बात तो मैं चिल्ला चिल्ला करके कई दिनों से कह रहा हूं मैं कि बच्चों का लेवल है। बच्चे 50% बच्चे ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको ये कैलकुलेशन नहीं आता है। और मैं अपने बैचेस में जो ऑनलाइन बैच लेकर के आ रहा हूं, इसमें मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को यहां पर 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक वो जीरो लेवल, ठीक है जी, जीरो टू हीरो, जीरो लेवल। अब जीरो लेवल में क्या रहेगा, पहले मैं उनका जो है 15 डेज का बेसिक कैलकुलेशन लूंगा, क्योंकि आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ही। आपको चीजें समझ में तो आ गई है लेकिन आपको कैलकुलेशन नहीं आया। तो अब एक बात बताइए, जब आपके पास में कैलकुलेशन ही नहीं है तो आप समझने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते सवाल में। तो सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जीरो लेवल वाले बच्चों का एक अलग बैच होगा, दूसरा एवरेज स्टूडेंट का बैच अलग होगा, और तीसरा फास्ट ट्रैक बैच होगा जो बच्चों को एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम से 2 महीने पहले अपने कोर्स को कवर करना है। तो 3 तरीके के बैचेस को लेकर के मैं आपके सामने यूट्यूब पर आ रहा हूं। तो यूट्यूब पर मैं बिल्कुल फ्री पहले आपके सामने जो है बहुत सारी क्लासेस मैं आपके सामने फ्री रखूंगा। आप पहले फ्री पढ़ लीजिए, आप उसके बाद देख लीजिएगा, पेड कोर्स की बात तो बाद में करेंगे। तो ये जीरो लेवल से हम यहां पर जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे को कुछ भी नहीं आता है उसको जो है यहां करवाया जाएगा। मुझे मालूम है, मैं अभी भी बताता हूं कि इसमें से कौन सा क्राउड है। हरियाणा के बच्चे, जो दिल्ली पुलिस के जो 8,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, जिसका पेपर भी है 5-6 महीने में, वो स्टूडेंट्स जो है उनमें से मैक्सिमम बच्चों के जो है दिल की बात है ये, जो जाहिर नहीं करते हैं। और बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है, स्टार्टिंग सीखना है जी। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। फुल कोर्स आप यहां पर करें, आपको एक बार देखिएगा, अगर एक कोर्स अगर हम आपको दे भी रहे, एक कोर्स अगर हमने 999 रुपए दे भी दिया, एक बार बताइए अगर ये 999 रुपए कोर्स आपको सेटिस्फाइड कर गया तो आपको पता है कि 999 रुपए कुछ भी नहीं होता है। जब आपको मैथ समझाने लग जाएगी ना, जब आपको रीजनिंग समझाने लग जाएगी तो आप हमसे बोलोगे सर हमें जीके और इंग्लिश भी करवाओ, कॉन्स्टेबल में तो खैर इंग्लिश नहीं है, तो आप बोलोगे सर कंप्यूटर हमें करवाओ। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, एक बार ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट भी ऐसे मत कीजिए पैसे देकर के जी, बिल्कुल मत कीजिए ऐसे ट्रस्ट। आप अभी कम से कम 10-15 दिन तक आप पहले क्लासेस सारी देखिए, क्लासेस आपको समझ में आती हैं या नहीं आती है, तो उसके बाद ही आप 10-12 दिन के बाद आप कमेंट करके खुद ही अपने डिमांड करेंगे, तब जाकर के मैं कोर्स लॉन्च करूंगा। फिलहाल आप ऐसे ही देखते रहिए, ट्राई करते रहिए, क्लियर है जी। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। मसला मुखर्जी नगर, क्यों चाहते हैं लोग मुखर्जी नगर, दोनों बात प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर के आपके सामने आपके घर पर आ रहा हूं। इंतजार करें डेली मॉर्निंग में 8 AM लाइव क्लासेस। मेरी लाइव क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। गांव के बच्चों के लिए मैं खासकर मैंने ये जो चीजें सोच, शहर के बच्चों के पास में तो है फैसिलिटीज, गाँव के बच्चों के पास में नहीं है। वो बच्चे मॉर्निंग में एक तो मैं 6 AM की क्लास लेकर के आऊंगा सुबह 6 बजे, क्योंकि उनके पास में डाटा का बड़ा इशू रहता है। दूसरी क्लासेस में रात को जो है 9 बजे 10 बजे रखते हैं, 10 PM दूसरे क्लासेस में रात को 10 बजे लेकर के आऊंगा। मैथ्स की क्लासेस रहेंगी, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, और एक क्लासेस में आपके सामने लेकर के आऊंगा वो 8 AM ये लाइव लेक्चर रहेगा।
मैं अपने बैच से, ऑफलाइन बैच से आपके साथ में जुड़ूंगा। तो जो ऑफलाइन में, जो मुखर्जी नगर में बच्चे जिन चीज को लुफ्त उठा रहे हैं, वो भी अब आप मेरे साथ साथ आप उस चीज का लुफ्त उठा पाएंगे। अब घर बैठे आप मान लीजिए कि आप सुबह 8 बजे कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आपने आपको मान लीजिए आप मुखर्जी नगर में बैठे हैं, क्योंकि वो टीचर आपके सामने वहीं से लाइव होंगे। क्लियर है जी? तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बाद अपना जो है, अपने कमेंट में अपनी राय जरूर रखेंगे, और भी अगर कुछ चीजें आप चाहते हैं तो उसके भी आप डिमांड जरूर करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।